दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बार एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया और इस कार्यक्रम में कई जाने माने वकील और वरिष्ठ नेता पहुंचे। कार्यक्रम में लोकतंत्र और यौन उत्पीड़न जैसे विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बार एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र और यौन उत्पीड़न जैसे विषयों पर चर्चा की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर समेत कई वरिष्ठ नेता और वकील इस चर्चा में शामिल हुए। कार्यक्रम में लॉ के छात्रों ने भी हिस्सा लिया और वरिष्ठ वकीलों से सवाल जवाब किए। इस मौके पर सलमान खुर्शीद का कहना था कि ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज के लिए जरूरी है और इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो नौजवान बच्चों ने जो वकील बन रहे हैं और आगे चलकर इस देश की मशाल संभालेंगे, उन्होंने यहाँ पर ये डिबेट किया है, यहाँ पर ये चर्चा छेड़ी है बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, और मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं यहाँ आकर बड़ा प्रसन्न हुआ और इनका जो स्टैंडर्ड है और जैसा जैसी इन लोगों ने मेहनत की है उसको देखकर अवश्य ही बड़ा हर्ष होता है। वहीं मणिशंकर अय्यर ने कहा कि इस तरह के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, छात्रों ने कार्यक्रम में जिन विषयों को उठाया है उन पर वक्त वक्त पर चर्चा होती रहनी चाहिए। मुझको लगता है कि उन्होंने दिखा दिया है कि कितना वो सोचते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं वो, किस तरीके से वो अपने सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सब से बहुत ही प्रभावित होकर, आकर्षित होकर मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने महिलाओं की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं। महाराष्ट्र स्टेट वीमेन कमीशन भी इनके साथ काम करेगा। जो स्टूडेंट्स जिनको इंटर्नशिप करनी है वो वीमेन कमीशन में आके ज़रूर वहाँ का काम देख सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं और प्रैक्टिकली किस तरह से ऐसे केसेस को टैकल किया जाता है इसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो कर सकते हैं। बार एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में दिग्गज वकीलों और नेताओं ने अपनी राय रखी और वहाँ पर मौजूद छात्रों ने बेबाकी से सवाल पूछे, जिनके जवाब इन दिग्गजों ने बड़ी सहजता से दिए। इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर MH1 न्यूज था। MH1 न्यूज एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते इस तरह के विषयों को उठाकर समाज में अपनी भागीदारी करता रहता है। दिल्ली से अभिनव सिंह की रिपोर्ट, MH1 न्यूज।